नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं रहस्यमय अंक 8 की। एक ऐसा अंक जिसे माना जाता है शनि का अंक। अगर जीवन पर 8 के अंक का प्रभाव हो तो कैसा जीवन होता है, किस तरह की सावधानियां आपको रखनी चाहिए अगर इस 8 नंबर से आपका संबंध है, अगर नंबर 8 से समस्या है तो क्या कुछ उपाय आप करें, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। जो लोग अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमेशा याद रखिए उनकी कुंडली के कितने भी शुभ योग क्यों ना हों, कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हों, वो शुभ योग वो राजयोग निष्फल हो जाते हैं। यानी उन शुभ योगों का, उन राजयोगों का लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए अपने माता पिता के साथ अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखिए। एक तरफ माता पिता को कष्ट देंगे, दूसरी तरफ रत्न पहनेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो उन मंत्र जप करने का, रत्न पहनने का कोई लाभ नहीं होगा। जो भी आपके कुंडली की शुभता है, जो भी आपके जीवन की पॉजिटिविटी है, वो सब की सब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब 3 जुलाई का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 3 जुलाई 2022, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 5:06 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह के 6:30 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातःकाल 6:30 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, ये तो पंचांग आपने जान लिया है पंडित जी से और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया है। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम में हम आप लोगों के ईमेल्स भी लेते हैं, लेकिन ईमेल हम लेंगे आपसे कुछ ही देर में। उससे पहले पहला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं आज के विषय के बारे में, जहां पर शनि के अंक 8 की बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं पंडित जी से कि अंक और ग्रह का क्या रहस्य होता है। पंडित जी देखिए, अंक और ग्रह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हर ग्रह का भी कोई अंक है और हर अंक का भी कोई ना कोई ग्रह है। अंक ज्योतिष में हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है और मूल रूप से हम 1 से 9 अंक को ही प्राइम नंबर मानते हैं, मुख्य नंबर मानते हैं, और हर अंक का एक स्वामी होता है। उसी ग्रह का प्रभाव हमारे अंक के ऊपर पड़ता है। जो अंक हमारा है उसका स्वामी ग्रह हमारे जीवन पर असर डालता है। ये अंक जो होता है या तो हमारी डेट ऑफ बर्थ का होता है, हमारी जन्म की तारीख का होता है, या हमारे नाम का होता है। इसके अलावा हमारे मकान का नंबर, हमारे घर का नंबर, हमारे फोन का नंबर, ये भी हमारे ऊपर गहरा असर डालता है। अगर जीवन में आपको सही नंबर्स न मिले, सही अंक न मिले, या गलत ग्रह का अंक आपको मिल जाए, तो जीवन में समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा अंक जो आपके साथ तालमेल नहीं बैठा रहा है, उसका स्वामी ग्रह आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ा देगा। और अगर जीवन में ऐसा अंक आपने चुना है जो आपके लिए अनुकूल है, तो उसका स्वामी ग्रह आपको जीवन में लाभ देगा। और इन नंबरों से आप बच नहीं सकते। अपने जन्म की तारीख से लेकर के गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, परीक्षा का रोल नंबर,
हर नंबर अपने आप में कोई ना कोई सूचना देता है, अगर आप उस नंबर को समझ पाए तो। तो ये तो पंडित जी ने समझा दिया है कि नंबर और ग्रह का क्या संबंध यहाँ होता है, क्या रहस्य उसके पीछे होता है। लेकिन शनि के नंबर 8 के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे अगर आप प्रयास करते हैं तो। और इस समय संपत्ति का और संपत्ति से दोनों तरह का लाभ आपको हो सकता है, संपत्ति फायदा देती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप भोजन करा दें या भोजन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, ऑफिस में कार्यालय में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, वहां पर तनाव दिख रहा है और बेवजह चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। हालांकि देखिए, संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा और संतान के सपोर्ट से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है, जीवन की तमाम मुश्किलें भी इस समय समाप्त होंगी, तमाम मुश्किलें भी आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें क्योंकि आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, कैसा दिन आप लोगों का बीतेगा, ये आपने जान लिया है। अब वक्त हो गया है आज के हमारे पहले ईमेल का। देख लेते हैं आज का जो पहला ईमेल है, हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो महिमा चौधरी जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 24 जुलाई 2001, जन्म का समय है 1:35 AM, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिखती हैं कि तुरंत ही इन्होंने अपना ग्रेजुएशन समाप्त किया है और अब ये MBA करने जा रही हैं। पूछ रही हैं कि क्या MBA करना मेरे लिए ठीक है, दूसरा क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी या मुझे प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करनी चाहिए। महिमा, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और सिंह राशि की, महादशा चंद्र की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है जनवरी 2024 तक। ये कुंडली कहती है कि आपके लिए MBA करना बहुत ही अच्छा है और मैनेजमेंट की पढ़ाई आपको निश्चित रूप से सूट करेगी, MBA जरूर पूरा करें फाइनेंस में या अकाउंट्स में। दूसरी बात यह है कि आप बैंकिंग सर्विसेज के लिए, बैंक या फाइनेंस से संबंधित विभागों के लिए कोशिश करें, उन विभागों में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और इसका समय जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। तो 2024 में या 2025 के शुरुआत में आपको बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। आपकी कुंडली की मुश्किल क्या है, एक तो डाइजेशन का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि पेट को लेकर के दिक्कतें आपको रहेंगी,
दूसरा, जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी मुश्किलें कम होंगी। तो चलिए, तो आप लोगों के सवाल हो गए, पहले सवाल का जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि शनि के अंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। कौन सा अंक होता है शनि का, ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया है, और उसका रहस्य आप पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बिल्कुल देखिए, अंक ज्योतिष में शनि को जो नंबर अलॉट किया गया, शनि को जो नंबर दिया गया, उसे कहते हैं 8। 8 का अंक शनि का अंक है, ये शनि के गुणों से भरा हुआ है। अगर आप 8 के अंक को देखें और उसको जरा सा घुमा दें तो वो सूचना बन जाती है इनफाइनाइट की, अनंत का अंक हो जाता है। तो 8 अंक के अंदर अनंत संभावनाएं भी हैं और अनंत संघर्ष भी है। 8 वाले जीवन में वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, और 8 वालों के जीवन में संघर्ष एक बार शुरू हो जाए तो जीवन में समाप्त नहीं होता। ये रहस्य का सबसे बड़ा अंक है। 1 से 9 तक के प्राइम नंबर्स को, मुख्य नंबर्स को हम अंक ज्योतिष में लेकर के चलते हैं, उसमें 8 का जो अंक है वो रहस्य का सबसे बड़ा अंक है। जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है या 26 तारीख है, उनका मूलांक 8 होता है, वो 8 नंबर के सबसे ज्यादा प्रभावित लोग होते हैं। जन्म तिथि, जन्म का महीना और साल, इसको अगर टोटल करने पर भी 8 अंक आता है तो आपका भाग्यांक 8 है, यानी 8 का अंक भी आपके जीवन में असर डालेगा। अगर हम आपके नाम के अंक को जोड़ें, जैसे हर अक्षर के लिए अलग अंक दिया गया है, ए के लिए 1 है, आई के लिए 1 है, ई के लिए 1 है, तो हर अंक के लिए एक नंबर दिया गया है, उस अंक को अगर हम जोड़ें और इसका टोटल 8 आता हो तो नामांक 8 होता है, और ऐसे लोगों के जीवन में भी 8 का प्रभाव जरूर होता है। तो आपका मूलांक 8 हो, आपका भाग्यांक 8 हो, आपका नामांक 8 हो, 8 अंक का प्रभाव आपके जीवन में गहराई से जरूर पड़ेगा, और 8 अंक का प्रभाव आपको जीवन में प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको करता है जिनकी जन्म की तारीख 8 तारीख होती है, 17 तारीख होती है या 26 तारीख होती है, उनके जीवन में शनि के नंबर 8 का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो 8 के रहस्य के बारे में, यानी कि शनि के अंक के रहस्य के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमको बता दिया है। इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे पंडित जी से कि अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन में इस अंक की वजह से, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात राशियों की अब कर लेते हैं। अगली 3 राशियां हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए जानते हैं इनके बारे में पंडित जी। कर्क राशि, आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। परिवार की जो तमाम मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें आपकी हल होंगी, और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी जरूर होगी। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में, पैसे रुपयों के मामले में, जीवन में सुधार होगा।
किसी उपहार का या सम्मान का आपको लाभ मिलेगा और इस समय आप अपने परिवार के कार्यों में व्यस्त बने रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए ये दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा रहने वाली है। अहंकार और जिद्दी रवैये से बचिए। छोटी छोटी बात पर ईगो प्रॉब्लम पैदा मत करिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें थोड़ा सा तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो हो गया आप लोगों का भाग्यफल, कैसा दिन आपका बीतने वाला है ये आपने जाना। आगे कुछ ही देर में आपको महा उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे आज की गुडलक राशि के बारे में किस तरीके का करियर उसका है। फिलहाल वक्त है आप लोगों के सवाल का। अगला ईमेल देखते हैं हमें किसने भेजा है। पंडित जी, जी अगला जो मेल है हमारे पास वो कथकली मुखर्जी जी का है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 जून 1995। जन्म का समय है 10:15 रात को। जन्म का स्थान है वर्धमान, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि शादी अभी जल्दी हुई है इनकी, तो वैवाहिक जीवन इनका आने वाले समय में कैसा रहेगा। दूसरा, ये चॉकलेट का छोटा सा व्यवसाय करती हैं, तो आने वाले समय में चॉकलेट का व्यवसाय कैसा रहेगा। कथकली जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। देखिए, पहले बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन साधारण है। चंद्रमा कुंडली के निचले इलाकों में बैठा हुआ है, जहां बैठ करके वो तनाव पैदा करता है, इसलिए वैवाहिक जीवन को हम एवरेज कहेंगे। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। जीवन साधारण गति से आपका चलता रहेगा। जहां तक चॉकलेट के व्यवसाय का प्रश्न है, खाने पीने की चीज़ों का, लिक्विड चीज़ों का, सफ़ेद चीज़ों का कोई भी व्यवसाय आप करें तो आपके लिए शुभ होगा। और चॉकलेट खाने की वस्तु है, निश्चित रूप से ये व्यवसाय आपके लिए अच्छा है और आगे लंबे समय तक आपके साथ चलता रहेगा। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन भी बेहतर हो और आपका व्यापार भी बेहतर हो। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, तो एक तो ओपल जरूर पहन लें। दूसरा, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त हमें, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो आप हमें लिख भेजिए जल्दी से। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, इस ईमेल आईडी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हम भी पूछ लेते हैं अपना अगला सवाल अंक 8 को लेकर। अगर जीवन पर पंडित जी 8 अंक का प्रभाव हो तो जीवन उस व्यक्ति का कैसा होता है। रेखा, जैसा पहले ही बताया कि 8 अंक एक बड़ा रहस्यमय अंक है और जीवन में हर संभावना को बढ़ा देता है। निगेटिव संभावना है तो वो भी सुपर लेवल पे होगी और अगर ये पॉजिटिव हैं तो वो भी सुपर लेवल पर होंगे। जीवन कैसा होता है जिनका अंक होता है 8? देखिए, अगर आपका 8 अंक है तो पूर्व जन्म का प्रभाव इस जीवन पर ज़्यादा होगा। आपकी पूर्व जन्म की इच्छाएँ और आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आपके इस जीवन का गहरा संबंध होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति का जीवन
संस्कार भोग के हिसाब से चलता है। अगर पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो ये जन्म बहुत अच्छा होता है, अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं तो बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ये अंक जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। आप 8 अंक वाले किसी भी आदमी को देख लीजिए जीवन में, उसके जीवन में स्ट्रगल जरूर होगा, चाहे विवाह के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो। 8 का अंक आपको भौतिक जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या आध्यात्मिक जीवन में भी ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन 8 अंक वालों के जीवन का एक हिस्सा खाली रहता है। या तो उनकी शादी ही नहीं होगी, या उनके पास धन ही नहीं होगा, या उनके पास अच्छा करियर नहीं होगा, एक हिस्सा जीवन का खाली रहता है 8 अंक वालों का, और वो हिस्सा उनको आसानी से नहीं मिल पाता है। 8 का अंक जीवन में अद्भुत परिणाम दे सकता है, क्योंकि 8 का मतलब इनफाइनाइट भी होता है, लेकिन 8 के अंक से अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना होगा, और अगर आप 8 अंक का सही इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे, और जीवन में 8 का अंक है आपके, तो आप जान लीजिए कि संघर्ष एक बार शुरू हो गया वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो जीवन में 8 अंक का प्रभाव क्या हो सकता है ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है, लेकिन पंडित जी अगर जीवन पर 8 अंक का प्रभाव जिस तरीके से आपने बताया होता है, तो किन किन सावधानियों का एक व्यक्ति को ध्यान इस दौरान रखना चाहिए? आपकी जन्म तारीख का संबंध 8 से है, आपके भाग्यांक का संबंध 8 से है, आपके नाम के अंक का संबंध 8 से है। किन बातों का बहुत ध्यान रखें, कौन सी सावधानियां रखें? देखिए, 8 अंक वालों को सबसे ज्यादा नुकसान करता है 8 का अंक। अगर आपका नंबर 8 है तो आप 8 अंक से बचिएगा, इसके संयोग से बचिएगा। आपका नंबर 8 है और आप 8 तारीख को काम करेंगे, काम के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, या उस काम की वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जहां तक हो सके 4 और इसके संयुक्त अंक से भी बचना चाहिए। 8 के लिए वैसे 4 इतना बुरा नहीं होता, लेकिन 4 के साथ ये है कि उसमें उतार चढ़ाव रहता है। 8 के लिए 8 का अंक बहुत ही बुरा है, और 8 के लिए 4 का अंक मध्यम है, क्योंकि 4 वाले इनके साथ उतार चढ़ाव दिखाते हैं, तो 4 अंक से भी बचना जरूरी है। अपने व्यवहार को शालीन रखिए। 8 अंक वाले बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो अपने व्यवहार को शालीन रखिए और बेवजह का अहंकार मत करिए। नशे में पड़ने से बचिए और गलत संगति से बचाव करिए। अगर आपका अंक 8 है, आप नशे में जा सकते हैं या आपकी दोस्ती यारी गलत हो सकती है। तो किन चीजों से आपको बचना चाहिए अगर 8 अंक से आपका वास्ता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया सावधानियां क्या आपको बरतनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब हम और जान लेते हैं अगली 3 राशियों को, तुला, वृश्चिक और धनुराशि के बारे में जानते हैं कि कैसा बीतेगा इन लोगों का दिन। पंडित जी, तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। करियर में इस समय आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। धन की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है, और इस समय अगर कोई संपत्ति की समस्या है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बहुत सारे रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होने वाले हैं। या तो कोई वाहन आप खरीदेंगे बहुत जल्दी, या तो कोई संपत्ति खरीदेंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है।
धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा शुभ हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करेंगे, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। कोई उपहार या सम्मान आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। करियर में लाभ तो दिख रहा है, फायदा तो दिख रहा है, लेकिन आपके करियर में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की, उनका दिन कैसा बीतने वाला है, क्या कुछ भाग्य उनका साथ निभाएगा या फिर नहीं निभाएगा, भाग्य प्रतिशत क्या है, ये आपने देखा। फिलहाल अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का, यानी कि जो ईमेल है अगला, देखते हैं हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान, क्या जवाब लेकर पंडित जी आए हैं। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रियंका कौशिक ने हमें लिखा है, नोएडा से लिखती हैं ये। 24 मई 1984 का जन्म है। जन्म का समय है 9:45 सवेरे और जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि करियर की स्थिति मेरी कैसी रहेगी, क्या मेरा विवाह होगा और अगर होगा तो कब तक हो पाएगा। प्रियंका, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की और अंतर दशा आपकी मंगल की चल रही है अगस्त 2022 तक। सबसे पहले विवाह के बारे में बता दूं कि इस कुंडली में विवाह होने की संभावना बेहद कमजोर है, न के बराबर है। फिर भी आप कोशिश करके देखें, अगस्त 2022 के बाद, 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में विवाह होने की एक आंशिक संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपका करियर बहुत अच्छा है और भविष्य में अगस्त 2022 के बाद से आप विदेश जा सकेंगी, विदेश में जाकर के नौकरी कर पाएंगी और इंटरनेशनल काम करेंगी, ग्लोबल काम करेंगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। दूसरी बात यह है कि विवाह के लिए बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा है और आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना चाहिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप भी हमें लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान पंडित जी लेकर आते हैं, उपाय लेकर आते हैं। तो अब उपाय की हम बात कर रहे हैं, 8 अंक से जुड़ी हुई समस्याएं हमने जान ली कि किस तरीके की समस्याएं एक व्यक्ति को आ सकती है अगर 8 से उसका वास्ता है, लेकिन 8 अंक से समस्या के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं ये पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी देखिए, अब आपके जीवन में 8 का अंक है, आपके मकान का नंबर 8 है या आपका खुद का नंबर 8 है या आपकी गाड़ी का नंबर 8 है और उसकी वजह से जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, क्या करेंगे। 8 अंक को जो अंक काट सकता है, काउंटर कर सकता है, वो है नंबर 6। तो जीवन में 6 के अंक पर विशेष जोर दीजिए। अगर आपका 8 का नंबर है तो आप 6 तारीख को काम करिए, 15 तारीख को काम करिए, 24 तारीख को काम करिए, आपका काम बनेगा। और 6 नंबर में भी जो कंपाउंड नंबर है 24, इसको जोड़िए, 4 और 2 6 आ जाएगा। इस अंक का जीवन में जितना प्रयोग करें उतना ही बेहतर होगा। शनिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करने से आपको बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके ऊपर 8 के अंक का बुरा प्रभाव है तो काले और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादा करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको अवसाद हो सकता है।
सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती, इन दोनों में से कोई भी एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के धारण करते हैं तो आपके जीवन में आठ के अंक का जो दुष्प्रभाव है वो दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आठ के अंक से जुड़ी हुई अगर किसी तरीके की कोई समस्या आपको आ रही है, जैसा कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया है, तो इन उपायों को आप आजमा सकते हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं आठ नंबर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी तीन राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके परिवार में बेवजह की अशांति, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान बनाए रखिए, पहले की तुलना में ठीक है लेकिन अभी भी ध्यान बनाए रखना है। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां आपकी थोड़ी कम होंगी, दबाव से, प्रेशर से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र की स्थितियों में, आपके ऑफिस में, आपके घर पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा और स्वास्थ्य भी आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, तो अब आपको स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप सुबह अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम बहुत ज्यादा दिख रहा है, काम की अधिकता रहेगी। हालांकि देखिए, काम आप बढ़िया करेंगे इसलिए आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान भी मिलेगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत जितनी होगी उतना ही लाभ होगा। बहुत ज्यादा लाभ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है, आप लोगों का दैनिक राशिफल यानी कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। अब वक्त आ गया है आखिरी सवाल का, आखिरी ईमेल का। देखते हैं आखिरी ईमेल हमें किसने भेजा है पंडित जी। जी, आज का अंतिम जो मेल है वो हमें शिवम शुक्ला जी ने भेजा है, लखनऊ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 1 जून 1991, जन्म का समय है दोपहर में 3:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। शिवम कह रहे हैं कि मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ, क्या मुझे रियल इस्टेट के क्षेत्र में सफलता मिलेगी? स्वयं का मकान मेरा कब तक हो पाएगा? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा? शिवम, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की आपकी चल रही है 2023 तक। पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो रियल इस्टेट वाला काम कर रहे हैं ये काम आपके लिए एवरेज है, मध्यम है। आपको खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, सुगंध जैसी चीज़ें ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगी। हालांकि रियल इस्टेट भी नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लाभ वहां से होता रहेगा। वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में मध्यम दिखाई देता है, इसके बहुत उत्तम होने के योग आपकी कुंडली में नहीं दिखते, ये आपका एवरेज बना रहेगा। जहां तक आपके भविष्य की बात है, भविष्य आपका उज्ज्वल है, खासतौर से फरवरी 2023 के बाद आप सफलताएं ज्यादा तेजी से पा सकेंगे, ज्यादा धन कमा सकेंगे। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें 108 बार, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो शनि के अंक 8 की आज हम बात कर रहे हैं, पंडित जी ने कई सारी जानकारियां आपको दे दी हैं और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कई संघर्षों का सामना यहाँ पर 8 अंक वाले जो लोग होते हैं उनको करना पड़ता है, लेकिन उपाय पंडित जी बता रहे हैं। तो उसी उपाय में एक और सवाल मेरा यह है पंडित जी कि क्योंकि कई बार कहा जाता है कि इस रंग का प्रयोग करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए, अच्छा होता है नहीं होता है, तो कौन सा रंग का प्रयोग 8 नंबर वालों को करना चाहिए और कौन से रत्न का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो उनकी संघर्ष भरी जो जीवन उनका है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके। देखिए 8 अंक का मालिक है शनि और शनि का जो पॉजिटिव कलर है वो होता है ब्लू यानी कि नीला। 8 अंक वालों के लिए दो रंग बड़े सूट करते हैं उनको, एक है नीला और एक है गुलाबी। पिंक और ब्लू कलर 8 अंक वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप को अगर इम्प्रूव करना है, रिश्तों को बेहतर करना है, तो 8 अंक वालों को ज़्यादा गुलाबी पहनना चाहिए और अगर करियर को ब्राइट करना है तो 8 अंक वालों को ज़्यादा ब्लू पहनना चाहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपकी जन्म तारीख का संबंध 8 अंक से है तो लाल रंग की चीज़ों का और लाल रंग का प्रयोग करने से आपको जीवन में बचना होगा, क्योंकि 8 वाले अगर लाल रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनकी दुर्घटनाएं होने की संभावना बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात, 8 का जो अंक है वो वायु तत्व का अंक है, शनि का अंक है, और वायु जो है ना वो जल में घुली हुई होती है, इसीलिए जल तत्व का रत्न पहन करके आप निश्चित रूप से 8 अंक को बेहतर कर सकते हैं। ओपल अगर 8 अंक वाले पहने बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सूट करेगा उनको। थोड़ा बड़ा सा ओपल 8 अंक वालों को सलाह लेकर के, ऑब्वियसली बिना सलाह लिए नहीं, सलाह लेकर के 8 अंक वालों को एक ओपल पहनना चाहिए या सलाह लेकर के एक मोती पहननी चाहिए, दोनों में से कोई एक रत्न, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 8 अंक वाले अगर चाहें ज्ञान में जाना है, अध्यात्म में जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तरक्की करनी है, तो 8 अंक वाले सलाह लेकर के एक पीला पुखराज भी पहन सकते हैं, उससे भी 8 अंक वालों को फायदा जरूर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 3 जुलाई को, उनके लिए साल कैसा रहेगा ये आपको पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 3 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में और आपके स्थान में दोनों में परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थितियां, पैसे रुपए की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है। संपत्ति के मामले और विवाह के मामले फिलहाल रुक सकते हैं, ये संभावना आपकी किस्मत में दिखाई दे रही है। क्या करेंगे इस साल में? पूरे साल भगवान शिव की अगर आप उपासना करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का और आज की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ सवाल पंडित जी ये है, क्योंकि 8 अंक के बारे में हमने बात की, शनि का अंक ये है, तो क्या 8 अंक वालों के जीवन में केवल संघर्ष ही रहता है? देखिए 8 अंक वालों के जीवन में केवल संघर्ष रहता है ऐसा नहीं कह सकते। 8 अंक वाले बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिमान, अच्छा बोलने वाले, रहस्यमयी चीजों को जानने वाले, तांत्रिक मांत्रिक ये सब होते हैं, ऑकल्ट पावर्स भी उनके पास आ जाती हैं। अगर 8 अंक वाले सूझबूझ से जीवन में चलें, शांति से चलें, जल्दबाजी ना करें कोई भी निर्णय लेने में, तो अमूमन उनका जीवन अच्छा रहता है। विवाह, साझेदारी और मित्रता के मामले में इनको अंक 6 का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इन्हें विशेष लाभ जरूर होगा। और ये समझ लीजिए कि 8 अंक कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको हम निगेटिव कह रहे हैं। भैया संघर्ष तो 9 में भी होता है, 1 में भी होता है। 8 के साथ ये है कि जीवन में सब कुछ अगर मिल भी गया तो एक हिस्सा आपका एम्प्टी रहेगा, ये एक प्रॉब्लम है।
और आठ वाले अगर आध्यात्मिक हो जाएं तो उनका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाता है। धार्मिक की बात नहीं कर रहा मैं, रिलीजियस की बात नहीं कर रहा मैं, स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूं। अगर आप वाकई में आध्यात्मिक हो जाएं तो आठ का अंक आपके जीवन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो जिज्ञासा ज्योति पंडित जी ने आज की वो दूर कर दी है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 3 जुलाई का शुभ पहर क्या है, ताकि इस दौरान भी अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाहें आप कर सकें। शुभ पहर दिनांक 3 जुलाई 2022 दिन रविवार को क्या है? शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां जाकर एक घी का दीपक जलाइए। अगर हनुमान जी के मंदिर ना जा पाए तो घर में हनुमान जी के सामने 1 मुखी दीपक घी का जलाइएगा। जो वर्तमान में आपकी समस्याएं चल रही हैं, एट प्रेजेंट जो आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। समय है 3 जुलाई 2022 दिन रविवार, समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। कोई शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं इस शुभ पहर में आप कर सकते हैं। फिलहाल अब वक्त हो गया है आज की लकी राशि यानी कि गुडलक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है और करियर के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं, तो पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जैसा कि रेखा ने कहा कि हम अलग अलग राशियों के करियर के बारे में आजकल बता रहे हैं। आज की जो गुडलक राशि है वो है कुंभ, एक्वेरियस। इनके लिए शिक्षा का क्षेत्र, जासूसी यानी डिटेक्टिव होने का क्षेत्र, ज्ञान, तकनीक और लेखन का क्षेत्र बढ़िया होता है। रहस्यमयी राशि है इसलिए रहस्य वाले काम ज्यादा करती है। कभी कभी आप देखेंगे कि कुंभ वाले कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और क्रिएटिविटी में यानी चीजों को क्रिएट करने के मामले में बड़े अच्छे होते हैं। खासतौर से कला, संगीत, फिल्म, ग्लैमर, मीडिया, ये आम तौर पर उनके पास आता रहता है। लेकिन करना क्या चाहिए? नियमित रूप से भगवान शिव और शनिदेव की पूजा आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से करियर में जो भी बाधाएं हैं, करियर में जो भी रुकावटें हैं कुंभ राशि वालों की, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय किस तरीके से आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी, अगर आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य की समस्या आ गई, अचानक से आपके पिताजी बीमार पड़ गए, अचानक से आपकी माता जी बीमार पड़ गई, पत्नी बीमार पड़ गई, पति बीमार पड़ गए, अचानक से सेहत में दिक्कत आ गई, क्या करेंगे? जिस समय ये सेहत में दिक्कत आए उस समय उस व्यक्ति के परिवार के लोग लगातार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। भगवान शिव के सामने एक अखंड घी का दीपक जला दें और उसके बाद लगातार प्रार्थना करते रहें। जिसके भी स्वास्थ्य में दिक्कतें आई हैं उसके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ शनि के अंक 8 के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।